कैसर जान, ये जो चाय ना कहने हम लोग का, इसमें चाय बनाते हैं। अभी आप चाय पीते हो, थोड़ा सा इसमें छोड़ देते हो बेदियानी में, वो एक मैल का दायरा बनाता हूँ। चरवाई ने इसे पकड़ा, कहते मामा इसको साफ करता हूँ। मैंने बोला यार खान खराब साफ नहीं होता, क्या था ये हो जाएगा। उसने पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहा और काफ़ी वक्त उसने लगाया, और उसके बाद उसने ऐसे क्या चमकदार चाइना बन गया। मैंने कहा यार हम लोग तो कोशिश करते हैं, उसका मैल तो खराश लग जाता है। कहता है ये वो मैल है जिसको आप जल्दी उतारने का कोशिश करोगे तो उसमें खराश लगता है। उसने हमारा चाइना कैसे रखा, उसने बोला मामा दिलों का मैल भी ऐसे ही साफ होता है। आपका किसी ताल्लुक में जो ये मैल आता है उसको भाई उतना ही वक्त देना पड़ेगा, उसको उतना ही आहिस्तगी से साफ करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिला के उसको पूरा वक्त देकर जब आप साफ करोगे, फिर वो बग़ैर खराश के वो रिश्ता, वो ताल्लुक, वो दोस्ती साफ होगा। जल्दी करोगे तो उसमें साफ तो हो जाएगा, खराश आ जाएगा। तो ये दिलों को आपस में साफ करने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है।